हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनीष और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नीट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बातों को लेकर आए हैं हम आपके मोबाइल में, और जो है इस चैनल में आप उन सभी मुद्दों पर बातें करेंगे जो कहीं ना कहीं नीट एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। अगर नीट की तैयारी करते समय आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती, तो ये लेक्चर आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अगर नीट एग्ज़ाम की तैयारी में आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ना तो कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई प्लान है, ना कोई टाइम टेबल है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो पा रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके काम का हो सकता है, ये चैनल आपके काम का हो सकता है। ठीक है, तो बिना देर किए आइए बात करते हैं मुद्दे की, और जिस मुद्दे को आज हम उठाएंगे उस मुद्दे का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। NCERT 11 का एक चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका वेटेज देखें तो वो 1 से 2 MCQ का होता है। तो आइए बिना देर किए देख लेते हैं बोर्ड पर और लिविंग वर्ल्ड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। लिविंग का मतलब होता है जीवन, और वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं हम, ये बात मैं भी जानता हूं और आप भी, लेकिन इस जीवन के, इस लाइफ के कई सारे पैमाने हैं, कई सारे क्राइटेरिया हैं, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं या खूबियां या फिर फीचर्स जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, बाहर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग किस क्राइटेरिया पर कहोगे, अगर मुझसे कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं किन बेसिस पर, किन क्राइटेरियाज पर, किन पैमानों पर लिविंग कह सकता हूं, तो मेरे दिमाग में 5 पॉइंट्स आएंगे। पहला ग्रोथ, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा सेल्फ कॉन्शियसनेस, पांचवा हम सब का फेवरेट रिप्रोडक्शन। तो कोई अगर आपसे कोई पूछे, कोई अगर आपसे कुछ पूछे लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आप कहेंगे कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग तब कहलाएगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिविंग तब कहोगे जब वो ये 5 क्राइटेरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये 5 कैरेक्टर्स शो करेगा। क्राइटेरिया शब्द इस्तेमाल नहीं करना था मुझे, सही शब्द है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर का हिंदी मीनिंग होता है चरित्र, जो आपकी खूबियों को कहीं ना कहीं बताता है, जैसी खूबी वैसा कैरेक्टर। ठीक है, खूबियाँ अच्छी हैं, कैरेक्टर अच्छा कहलाएगा समाज के सामने, खूबियाँ बुरी हैं, कैरेक्टर बेकार कहलाएगा समाज में। गाना भी है कि मैं करूँ तो सारा कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, ये सलमान खान पर फिल्माया गया एक गाना था जो आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इत्तेफाक से सुन लिया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं मजाक से हटकर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं हम कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस और रिप्रोडक्शन, ये 5 कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, कैरेक्टर्स खूबियाँ, लक्षण, फीचर्स जो एक लिविंग में आपको देखने को मिले वो ये हैं। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं? हाँ। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस को दिखाते हैं? हाँ। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, क्योंकि हम सभी ने अपनी जिंदगी को शुरू एक सिंगल सेल से किया है। ठीक है, हम सभी ने अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से की है जिसको आप जायगोट के नाम से जानते हो। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमारे इर्द गिर्द जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति हम अवेयर हैं। इट मीन्स वी आर सेल्फ कॉन्शियस कि क्या घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द। अगर बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, बाहर बरसात है, तो
तो हमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, फिर आता है रिप्रोडक्शन, जो एक लास्ट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो अब तक आपने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, खूबियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 कैरेक्टर्स बताओ, तो ये नाम आप सारे लिख देंगे। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा गया कि क्या ग्रोथ को मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकता हूँ, उस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले ग्रोथ के बारे में कुछ जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। ग्रोथ, जिसे हम हिंदी में वृद्धि बोलते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ वो है जो अंदर से होगी और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ वो है जो बाहर से होगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी और मेरी बात करूं तो हमारी जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस का नंबर 1 से 2 होता है, एक समय के बाद सेल का नंबर 1 से 2 हो जाता है, और इस तरह से सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, है ना, 128 के बाद 256 आई थिंक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेल तेज़ी से डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये समझाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर रख कर समझा सकते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ को। तो अगर एग्जाम में सवाल आ गया कि बताओ बताओ इंट्रिंसिक ग्रोथ ह्यूमन बींग दिखाता है या नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ दिखाता है, क्योंकि हमारे सेल का नंबर बढ़ता है, हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता है। सेल नंबर के कंसर्न में भी बढ़े तो ग्रोथ है, और सेल प्रोटोप्लाज्म कंटेंट के लेवल पर भी बढ़े तो वो भी ग्रोथ ही कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ प्रोटोप्लाज्म के बारे में, आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, आपको पता होगा अच्छे से कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, आपको पता होगा अच्छे से कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, आपको पता होगा अच्छे से कि सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, और अगर पता है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए इस लेक्चर को। ठीक है, देखिए, सेल के अंदर कई सारा फ्लूइड मैट्रिक्स मौजूद होता है। इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इस साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं कई सारे सेल ऑर्गेनेल, जैसे न्यूक्लियस, एक वैक्यूल प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो, एक माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ठीक है, जो प्लांट सेल में नहीं होता, केवल एनिमल सेल में होता है, है ना। इतने सारे सेल ऑर्गेनेल आपको देखने मिल जाते हैं एक एक सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म एक माध्यम प्रोवाइड कराता है उन सभी सेल ऑर्गेनेल को अपना अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए, अपना अपना फंक्शन प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए, अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने के लिए साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करवा देता है। ठीक, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल दोनों को मिलाकर मैं कह सकता हूँ प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बताओ प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो आप कहना साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो चीज़ निकल के आती है उसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को ही आप लिविंग फ्लूइड के नाम से भी जानते हो। लिविंग फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म को ही कहते हैं। ये बात एक वैज्ञानिक ने बताई थी और ये बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इनमें से लिविंग फ्लूइड कौन है, तो सही जवाब है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर, आसान शब्दों में आप ऐसा समझ लो कि एक डब्बा आपके पास है जिसमें आपको सफ़ेद रंग के गोले नज़र आते हैं। एक डब्बा आपके पास है दिवाली के मौसम में, और उस डब्बे में आपको ऐसे गोले नज़र आते हैं, स्पॉन्जी गोले नज़र आते हैं, और वो गोले चाशनी में डूबे हुए हैं। किसमें डूबे हुए हैं? चाशनी में। यहाँ पर भरी हुई है चाशनी, और इस चाशनी में गोले डूबे हुए हैं। ठीक है,
गोलों को मैं कहूंगा गुल्ले और चाशनी को मैं कहूंगा रस। चाशनी हो गई साइटोप्लाज्म और गुल्ले हो गए सेल ऑर्गेनेल। चाशनी में डूबे हुए गुल्ले, रस में डूबे हुए गुल्ले ही रसगुल्ले कहलाते हैं। ठीक उसी तरह सेल ऑर्गेनेल जो उसको हमने गुल्ला माना है और रस जिसको हमने साइटोप्लाज्म माना है, दिस कॉम्बिनेशन टुगेदर फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। समझ में आई आपको बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि रसगुल्ले में रस क्या है तो आप कहना साइटोप्लाज्म, और गुल्ले क्या है आप कहना सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल को साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ दो, क्या निकल के आएगा? प्रोटोप्लाज्म। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपके जहन में ये बात चली गई होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं हम कि अगर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़े, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो, तो क्या ये साइटोप्लाज्म का बढ़ना ग्रोथ को बता रहा है? तो हाँ, हम कहेंगे ये ग्रोथ को बता रहा है। क्लियर? अगर सेल का नंबर बढ़ता जाए, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल होते जाएं, तो ये सेल का नंबर बढ़ना भी कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो आपसे कोई पूछे, ओके बाय बाय, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि सेल का नंबर बढ़ना ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा हाँ भाई, सही बात है। आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म की मात्रा एक सेल के अंदर बढ़ती जा रही है, क्या ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहोगे हाँ भाई हाँ, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? इसके अलावा एक शब्द आपको याद रखना है, जन्म। जन्म, जन्म, ठीक है, तो जन्म से आपको याद आएगा कि नंबर में सेल का बढ़ना और मास में सेल का बढ़ना, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रोथ के। आपसे एग्जामिनर ने पूछा व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, तो आप कहेंगे जन्म। जन्म से आपको याद आएगा एन फॉर नंबर ऑफ सेल, एम फॉर मास ऑफ सेल, एंड जी से आपको याद आएगा ग्रोथ। ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का तरीका है जन्म, G for growth, N for number of cell, and M for mass of cell. तो number of cell अगर बढ़े तो growth है, mass cell का बढ़े यानी भार अगर cell का बढ़े, protoplasm अगर cell का बढ़े, cytoplasm अगर cell का बढ़े, तो वो भी cell की growth कहलाता है। ठीक है, तो cell का number बढ़े तो growth, cell का mass बढ़े तो भी growth। Okay, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं दो तरह की growth पर, intrinsic growth and extrinsic growth। Growth अगर अंदर से हो रही है तो इंट्रेंसिक ग्रोथ, और अगर ग्रोथ आपको बाहर से दिखाई दे रही है तो एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ पर बर्फ गिर गई तो इससे पहाड़ की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है या नहीं? पहले वो इतना था, अब वो इतना हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रेत के जो टीले होते हैं रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, वो रेतीले तूफान के बाद अलग अलग ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग वृद्धि दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अगर एक रेतीला तूफान आया और रेत का जो टीला है उस पर कई सारी रेत इकट्ठी करवा गया, तो कहीं ना कहीं ये भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि लिविंग क्रिएचर्स तो ग्रो कर रहे हैं सेल के नंबर बढ़ाकर, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाकर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को बढ़ाकर, सेल का मास बढ़ा के, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी
ग्रोथ दिखा रहे हैं, अपने हाइट को बढ़ाकर, अपनी लेंथ को बढ़ाकर, अपनी ऊंचाई को बढ़ाकर, अपने मास को बढ़ाकर। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ है। अगर आपसे कोई पूछे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, मान लिया, क्या ये नॉन लिविंग के द्वारा भी दिखाया जाता है, तो आप अगेन जवाब दोगे हाँ। देयर आर नंबर ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विच रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। पहाड़ी पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमना, बर्फ का जमना ग्रोथ दिखा रहा है। रेगिस्तान में रहती है तूफान के दौरान अलग अलग साइज के पहाड़ हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। एक रेत के टीले पर और रेत जमा हो गई और ग्रोथ दिखने लगी, तो ये सैंड ड्यून्स भी एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाए जाने वाले ग्रोथ के कंसर्न में। क्लियर? इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए ये बात कि मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल दूं या नहीं बोल दूं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पर एग्जाम में सवाल आता है। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें बस इतना सा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया यह है कि इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। क्लियर? क्राइटेरिया दूसरा है कि इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, याद रखिएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात हो रही है। डिफाइनिंग मतलब परिभाषित करने वाला, प्रॉपर्टी मतलब विशेषता, एक ऐसी विशेषता जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिले और सारे लिविंग में देखने को मिले, उसी प्रॉपर्टी, उसी कैरेक्टर को मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलूंगा। एक बार फिर सुन लीजिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे, और उससे भी पहले समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ खूबियां हैं जो केवल लिविंग के द्वारा ही दिखाई जाती हैं, और तो और नॉन लिविंग के द्वारा भी दिखाई जाती हैं। क्लियर? तो इसे हम ग्रोथ कह देते हैं, इसे हम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो आप जवाब दोगे कि जो कैरेक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगा और सभी नॉन लिविंग में एब्सेंट होगा, उस कैरेक्टर को मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहूँगा, ठीक है। ये तो सारे कैरेक्टर हैं ही, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस हैं, सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्ट कॉमनली। आगे कुछ एक्सेप्शन है उसके मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बताओ ग्रोथ क्या है, आप कहना ग्रोथ एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो पूछेगा ग्रोथ नॉन लिविंग के द्वारा दिखाया जाता है, आप कहना हाँ दिखाया जाता है, सैंड ड्यून्स और पहाड़ पर बर्फ का जमना, ये दो एग्जाम्पल हैं नॉन लिविंग के द्वारा ग्रोथ दिखाए जाने के लिए। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डीपी का मतलब हर जगह व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं होता, डीपी का मतलब यहाँ पर है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप इन पांच कैरेक्टर में से उस कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहे। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई कैरेक्टर मौजूद है, प्रेजेंट है, दैट कैरेक्टर ऑफ लिविंग कैन बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब कहेंगे जब वो प्रॉपर्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहे और सभी नॉन लिविंग में एब्सेंट रहे। एक बार फिर सुन लीजिए, एक कैरेक्टर कैन बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ऑल लिविंग बींग्स, एंड इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाने के लिए दो पैमानों पर, दो मापदंडों पर, दो क्राइटेरियाज पर खरा उतरना पड़ेगा। क्राइटेरिया नंबर वन, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैरेक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर टू, वो कैरेक्टर सभी नॉन लिविंग में एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दो पॉइंट्स पर, इन दो क्राइटेरिया पर एक
कैरेक्टर खरा उतरे तो आप उस कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस बात को लेकर कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब कहना है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब कहना है। इस बात को लेकर जो कंफ्यूजन मन में था वो दूर हो गया, ऐसा मुझे लगता है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। अगेन, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? बताइए, दिमाग लगाइए। मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। ग्रोथ नाम का कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, ये मेरा सवाल है। ठीक है, बताइए क्राइटेरिया नंबर एक क्या है? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ग्रोथ सभी में प्रेजेंट है, ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं। क्राइटेरिया नंबर टू, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एब्सेंट होना चाहिए। तो क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ पूरी तरह से एब्सेंट है? नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ दिखाते हैं। देयरफोर हमारा ग्रोथ नाम का कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के दूसरे मापदंड पर, दूसरे क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतर पाया। दैट्स वाई हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, हाँ है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ग्रोथ नाम के कैरेक्टर को मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने के बावजूद भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का दर्जा नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था? इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्रोथ, देयरफोर ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तीन चार बार बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की हम बातें करते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो आप कहेंगे जितनी भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग सेल में चलती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग सेल में चलती हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग सेल में चलती हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और इस फिनोमेनन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर आप बात करते हो एनाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें आप छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ी चीज़ बनाते हो, और कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें आप बड़ी चीज़ को तोड़कर छोटी चीज़ बनाते हो। कहने का मतलब यह है कि आपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिलाकर, छोटे छोटे ग्लूकोज को मिलाकर, छोटे छोटे ग्लूकोज को मिलाकर आपने ग्लाइकोजन बना डाला। दिस इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, आप जो भी खाते हो वो ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना। ग्लूकोज के फॉर्म में ही वो ब्लड में जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ही वो सेल के अंदर घुसता है, सेल के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी साइटोप्लाज्म में घुसकर ग्लाइकोलाइसिस करवाता है। ग्लाइकोलाइसिस का परिणाम पाइरुवेट होता है। ये पाइरुवेट क्रैब्स साइकिल में घुसके माइटोकॉन्ड्रिया में घुसकर क्रैब्स साइकिल चलाता है, और क्रैब्स साइकिल से एटीपी बनती है। ये सारी चीज़ें रेस्पिरेशन की है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन बनकर कुछ अमाउंट में हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़े स्टार्वेशन के समय, भूखे रहने के दौरान जो एनर्जी आती है वो लिवर से ग्लाइकोजन के टूटने से आती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी हम सेव करके रखते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर होती है। क्लियर, अगर आपसे कोई पूछे कि आप जिस तरह से जितना भी पैसा कमाते हो उसका कुछ हिस्सा बैंक में रिजर्व कर देते हो, ठीक उसी तरह आप जितना भी खाते हो उसका कुछ हिस्सा ग्लाइकोजन बनके आपके लिवर में स्टोर हो जाता है, कि स्टार्वेशन के समय जब आप भूखे रहो, उपवास रखो, व्रत करो, उस दिन वो ग्लाइकोजन टूट टूट कर आपको एनर्जी दे। बात समझ में आई? तो कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि जब आप ग्लूकोज को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन बनाओगे तो दिस इज एनाबॉलिज्म, विच इज़ ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसमें आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हो। ग्लूकोज को मिलाकर आप ग्लाइकोजन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, ग्लूकोज को मिलाकर आप ग्लाइकोजन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दिस इज एनाबॉलिज्म। क्लियर। दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। आपको ज़रूरत पड़ी एनर्जी निकालने की, है ना, आप भूखे हो, आपने कल से खाना नहीं खाया क्योंकि आपके घर वालों ने आपको मोबाइल नहीं दिलाया। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो आपके लिवर में पड़ा हुआ है वो ग्लाइकोजन आपको ग्लूकोज बना के देगा, वो ग्लाइकोजन आपको ग्लूकोज बना के देगा बाय प्रोसेस कॉल्ड
कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म कंप्राइजेस ऑफ टू फिनोमेनन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती हैं, कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं, ठीक है। उम्मीद है मैंने दो चीज़ें आपको बताई और दोनों चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई। मेटाबॉलिज्म में आप क्या देखोगे, केमिकल रिएक्शंस देखोगे। ये केमिकल रिएक्शंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं चलती, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती हैं। तो ग्रो मेटाबॉलिज्म को मैं लिविंग का कैरेक्टर तो कहूँगा, क्लियर। क्या मैं मेटाबॉलिज्म नाम के कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का दर्जा दे सकता हूँ, ये मेरा सवाल है और आपको देना इसका जवाब है, ठीक है। जवाब आप सोच लो, ठीक है, और पॉज कर दो, ठीक है, तब तक मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। फिर आप मिला लेना कि आपका जवाब और मेरा जवाब ठीक है या नहीं, ठीक। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म के नाम के कैरेक्टर को अगर मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह रहा हूँ तो मुझे दो क्राइटेरिया मिलेंगे। क्राइटेरिया नंबर वन, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा दिखाया जाता है? हाँ, पहला क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गया। क्राइटेरिया नंबर दो, क्या मेटाबॉलिज्म सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एब्सेंट है? हाँ, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म चलता हो। ये पैन के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चलती रात में या दिन में। इस बोर्ड में मैं चला जाऊंगा अभी बंद करके सब, तो इस बोर्ड में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेगी। ये आंसू नहीं बहाएगा, है ना, ये कोई एनाबॉलिक रिएक्शन नहीं करेगा, ये कोई कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये मशीन है, नॉन लिविंग है, बात समझे। इसमें कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे टच कर दिया, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, है ना। मैंने इसको तेज़ी से टच कर दिया, तेज़ी से करूँगा नहीं, महंगा है, ठीक है, तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा वो। तो कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि मेटाबॉलिज्म किसी भी तरीके से आपको यहाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखने को नहीं मिल रहा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म है, हाँ है। सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है, हाँ है। तो क्या मेटाबॉलिज्म नाम के कैरेक्टर ने मेरे दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया? हाँ, कर दिया। दैट्स वाई मैं मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग का दर्जा दे सकता हूँ, मैं इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकता हूँ। उम्मीद है मेरी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला लेक्चर आधारित होगा बाकी के तीन कैरेक्टर्स पर, बाकी के तीन कैरेक्टर्स के एक्सप्लेनेशन पर, और बाकी के तीन कैरेक्टर्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, इस मुद्दे पर। तो जानने के लिए आप इंतज़ार करिए अगले लेक्चर का। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी द लिविंग वर्ल्ड के अगले लेक्चर के साथ। तब तक रिवाइज करिए, और क्या करेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर, और मैं क्या कहूँ इसके अलावा आपसे।